दोस्तों आपका स्वागत है आपके सिंपल गार्डनिंग चैनल में। और आज है अक्टूबर की 6 तारीख। आज मैं आपको अपने कुछ प्लांट्स की शॉपिंग दिखाना चाहूँगी। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा कलांचो का प्लांट है और ये मुझे नर्सरी वाले भैया ने बताया कि इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आएंगे। मैं इसको और भी इसके प्लांट्स लेना चाहती थी लेकिन मुझे इसमें कलर्स नहीं मालूम थे, इससे मैंने सिर्फ एक ही लिया। और मैं इसको ये देखिए छोटे गमले में ही लगाऊंगी। और आप ये छोटे गमले में बहुत अच्छे से चल जाता है प्लांट। ये पड़ा मुझे 20 रुपीज़ का एक प्लांट। और ये देखिए सिंघोनियम का, ये मुझे 10 रुपीज़ का मिला। ये प्लांट मैं गवर्नमेंट नर्सरी से मैंने लिए, ये प्लांट कलांचो भी, ये कलांचो सिंघोनियम ये मैंने, और ये कैना लिली मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से ही परचेज़ किए हैं ये तीनों ही प्लांट्स। और ये देखिए सिंघोनियम, इसके नीचे की कुछ लीफ ख़राब थी तो मैंने इसको रिमूव कर दी। और इसको मैं बहुत छोटे पॉलीबॉग बैग में लगा हुआ है, इसको मैं अभी रिपोर्ट करूँगी, किसी अच्छे से पॉट में लगा दूँगी तो बढ़िया चलेगा प्लांट मेरा। और ये देखिए मेरा ये है कैना लिली, इसमें मुझे ये नहीं मालूम कि इसमें ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आएंगे या येलो, लेकिन दोनों ही मेरे लिए बेटर है क्योंकि मेरे पास अभी तक इसका एक भी प्लांट नहीं है। और ये मुझे पड़ा है 20 रुपीज़ का। और मैं आपको एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगी, ये देखिए मेरा वाइट रोज़ प्लांट। ये तो मैंने बाहर से लिया है, जो गवर्नमेंट नर्सरी के बाहर मुझे थोड़ा सा दूर जाने पर मुझे एक प्राइवेट नर्सरी दिखी रोड साइड, वहाँ से मैंने प्लांट परचेज़ किया है। ये मेरा वाइट रोज़ प्लांट है, देख रहे हैं आप पूरा कलियों से भरा हुआ है और कितना हेल्दी प्लांट है। ये पड़ा है मुझे 150 का। और ये देखिए इसकी सारी रूट्स बाउंड हो चुकी हैं। मुझे इसको रिपोर्ट करना है लेकिन अभी मैं कुछ दिन इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, इसी गमले में ही रहने दूँगी। और जब मेरी ये गुलदाउदी की जो कटिंग्स हैं ये सब लगभग तैयार ही हैं, थोड़ा सा इसको मुझे रिपोर्ट करना है कुछ दिनों बाद, उसके बाद मैं इसी गमले में इसको लगा दूँगी। ये मिट्टी के गमले में रोज़ प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। और ये देखिए मेरा कोलियस कितना अच्छे से चल रहा है, ये भी सिर्फ एक महीना पुराना ही प्लांट है, देख रहे हैं आप। तो गवर्नमेंट नर्सरी में तो आपको प्लांट्स, जो भी प्लांट्स आप लेंगे बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिल जाते हैं। ये मुझे मुश्किल से सारे प्लांट्स 50 रुपीज़ में पड़े, ये तीन प्लांट्स मुझे 50 रुपीज़ में ठीक ही लगा, मुझे ज़्यादा कुछ वो नहीं लगा। लेकिन हाँ, आपको जैसे आप चाहेंगे अपनी पसंद का तो आपको वैसा नहीं मिल पाएगा कि आपको किसी वैरायटी में चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं ना, तो प्लांट्स वहाँ भी मुझे ठीक ही ठाक मिल गए। और मैं फिर आगे भी जाऊँगी तो मैं आप उसके लिए, मैं और प्लांट्स जब परचेस करूँगी तो उसके लिए भी आपको बताऊँगी। आइए दिखाती हूँ अपने प्लांट्स की कुछ ब्लूमिंग। ये मेरा कनेर प्लांट है, येलो कनेर, इसकी ब्लूमिंग देख रहे हैं आप। ये देखिए पूरा कलियों से भरा हुआ है, ये देखिए हर ब्रांच में इसकी ढेरों कलियाँ हैं। ये देखिए मेरा लाल गुड़हल, ये देखिए पूरा मेरा कलियों से भरा हुआ है। ये देखिए ये कलियाँ भी सब कल खिल जाएंगी। ये प्लांट मेरा बहुत ही हेल्दी है, ये देखिए, ये देखिए ये फ्लावर कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही छोटा सा प्लांट है, ये सिर्फ कटिंग वाला है, इसको मैंने अभी कटिंग से लगाया मुश्किल से 15 दिन पहले, और देखिए कितना अच्छा चल रहा है ये। और ये देखिए मेरा मिनी चांदनी, मिनी चांदनी भी था गवर्नमेंट नर्सरी में लेकिन मेरे पास था इसे मैंने नहीं। ये देखिए मेरे बालसम, ये देखिए पर्सेन वगैरह कितने अच्छे चल रहे हैं सारे प्लांट्स। ये मेरा नागचंपा, ये देखिए कितना अच्छा सा चल रहा है, देखिए इसमें और स्टिक्स निकलती आ रही हैं। देखिए ये अभी अक्टूबर नवंबर तक का मस्त फ्लावरिंग करेगा। और फ्रेंड्स मैं इसकी रिपोर्टिंग आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, आपको मुझे शॉप आपकी आपको मेरी ये शॉपिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये प्लांट्स मैं लगाऊँगी शाम को, लेकिन अभी नहीं क्योंकि अब सुबह का टाइम है। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, कल के वीडियो में, कि मैं सुबह में प्लांट्स नहीं लगाती,
और बस अब फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल मेरे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।